शिवसेना विधायकों के अयोग्यता मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्पीकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला देते हुए उनके गुट को ही असली शिवसेना बताया है। इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके पिता की पार्टी अब उनके हाथ से निकल गई है। कुल मिलाकर बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना पर अब शिंदे का कब्जा हो चुका है। स्पीकर के विरोध में मुंबई से सटे ठाणे शहर में उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने पाली तालाब के पास जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने काले झंडे दिखाए और महाराष्ट्र के स्पीकर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये फैसला न सिर्फ संविधान और लोकतंत्र की हत्या है, बल्कि खुलेआम अदालत के फैसले का अपमान किया गया है। मला असं वाटतं हे स्टेज प्रोग्राम जसा असतो ना की मी मारल्यासारखं करीन तू ओरडण्यासारखं, ह्या गोष्टी या घडलेल्या आहेत। आपण पत्रकार आहात, आपण सुजाण आहात, नागरिक देखील खूप जागरूक आहेत, नागरिकांना देखील माहिती आहे की या 1.5 वर्षाकाळामध्ये कशी नौटंकी कशा पद्धतीने चाललेली आहे। आणि हा निकाल जो पहिल्या 1 महिन्यामध्ये जे घटनेला अनुषंगाने जे शासनाच्या दृष्टिकोनातनं जो संविधानाच्या दृष्टिकोनातनं दिला गेला पाहिजे होता तो कसा पुढे नेण्यात आला आणि ही टर्म कशी यशस्वी पद्धतीने पूर्ण होईल याच्याकडे लक्ष ज्या पद्धतीने देण्यात आलेलं आहे त्या अनुषंगाने ही नौटंकी आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, त्याच अनुषंगाने ही स्टेटमेंट त्यांनी दिली।